अरे मेरे सम्मानित श्रोता साथियों बाबा और भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, बिरहा तो गाना बंद कर दिया है आप लोगों के कहने से, फिर बिरहा शुरू कर रहा हूँ। और एक बिरहा ऐसी बिरहा है कि पूरे भारत के जितनी ग्रंथ है सबकी नसबंदी ये बिरहा करेगी। और प्रेम से इस बिरहा को सुनिएगा और लोगों को सुनाइएगा भी, विद्वान के साथ साथ इस बिरहा को सुनकर के तर्कवान बन जाइएगा। चलते हैं, चार लाइन बिरहा में भूमिका है, क्या है? झूठ मिथ्या कहानी बता कर सभी भारत भूमि को कचरा बनाया गया, जाति धर्म कर्म कांडों के कारण मान मूल निवासियों का मिटाया गया। असुरमूल निवासी है राजा कहते, कहे सूरज भान जागो भारती के बहुजन, आर छलिया विदेशी तुम्हें है फसाए। कहें सूरज भान जागो भारत के बहुजन, आर छलिया विदेशी तुम्हें हैं फंसाए। कैसे फंसाए? कैसे भैया फंसावे? का कई तरीका, केहू के जाल में फंसावल जाला, केहू के मुकदमा में फंसावल जाला, केहू के माला की अलत्कार बलात्कार में फंसावल जाला, लेकिन ये सब ऐसा फंसा दिए कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, पूरा एकदम दुधार गाय की तरह आपको दूह भी रहे हैं। अच्छा, तो यही जन एक ठे टुकड़ा लगल बाबू दो बोल भैया, ये दोना अव्वल ना कौआली का टुकड़ा, हम जानी के ईटा का टुकड़ा, तुम लोगों ने यह कुल जन्मे कराला। सुना, अरे उठो उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। गजल करबला से चलल हो, इमाम हुसैन की आवाज थी कि नर्वस मत हो, सामाजिक लड़ाई है ये, इसलिए कह रहा हूँ उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज से अपील पूर्वक इस बात को कहता हूँ, क्या है? क्या भैया? अरे बुझ दिल बन कर जियो न यारो, अरे बुझ दिल बन कर जियो न यारो,
समर जंग में कूद पड़ो। बुझ दिल बन कर जियो गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। जातवाद की तोड़ गुलामी, मनोवाद पर टूट पड़ो। ई कुल धमकी देथवा हमके, कहथवा बजरंग दल आवत हो। हम कनियावा भैया चाय नमकीन रख ले। कौनो कहते कि हिंदू बाहिनी आवत भी रख ले हैं। समझा रहे हैं तहजीब से कि भारत में समानता पर आंच फैलाने का और इस नैतिकता को तोड़ने का प्रयास मत करो। भारत गंगा जमुनी की तहजीब में जीता है। यहाँ हर धर्मों को सम्मान से जीने का अधिकार यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये धमकी हमें मत दो। लेकिन जिस दिन ये बहुजन समाज बिगड़ गया, तुम लोगों की हुलिया बिगाड़ देगा, कहीं स्थान नहीं पाओगे। अभी हम बार बार समझा रहे हैं कि देश में समता, समानता, बंधुता, भाईचारा पर खतरा बनने का प्रयास मत करो और हमें धमकी भी देने का प्रयास मत करना। एक वीडियो जिस दिन वायरल करेंगे, चड्ढी उतर जाएगी तुम लोगों की। तहजीब से बात करते हैं तो तमीज से बात किया करो। लाइन हमारी जा रही है, शहर में कहना है, क्या है? चिड़िया भारत एक कहाता, खिताब विश्व गुरु वाला इसे भाता है। भारत अगर विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा है तो राम और ब्रह्मा विष्णु की वजह से नहीं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की वजह से। क्योंकि पूरी दुनिया में 58 देश भगवान बुद्ध को अपना परमात्मा मानते हैं और उनकी विचारधारा पर चलते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं। और जहां जहां भगवान बुद्ध पूजे जा रहे हैं, उन देशों की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए कह रहा हूं, क्या है? छलिया आके विदेश छलिया, छल से ये नष्ट किया, बना के चार वर्ण जातियों को भ्रष्ट किया। झूठी कहानी सारे ग्रंथों की सुना, शूद्र अधम नीच पापी ये बताता हूँ। ग्रंथों में हमारे बहुजन समाज 85 मूल निवासी को राक्षस कहे, दैत कहे, असुर कहे, नीच कहे, सब कुछ हमने बर्दाश्त करते हुए तुम्हें गुरु बना लिया। तुम गोबर पूजवाते, हम श्रद्धा पूर्वक गोबर पूजते हैं, लेकिन हमारे प्रति इनकी सोच क्या है? मैं अपने बहुजन समाज 85 मूल निवासी को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है? जन्म के पुरखे हमारी नैया को वो पार किए, बुद्ध साहू फूले भीम जी पेरी यार किए।
पुरुषों के बल पर शान सम्मान स्वाभिमान अधिकार सब कुछ हमें मिल गया, लेकिन हम पत्थर की मूर्तियों में गोजर की तरह स्थान तलाश रहे हैं। यही जन से बिरहा का एक कहानी शुरू भइल बाबू दयानंद जी। कवन कहानी है? दोहा है। एक गांव में यादों का था छोटा परिवार, अरे 70 साल की भक्ति ने बुढ़िया बहुआर, एक गांव में एक यादों का गरीब परिवार था। बुढ़वा मर गल, बुढ़िया जियत रहल, एक के लड़का रहल, बियाह भयल, बहुआर आई पढ़ल लिखल। सुनिया तन ध्यान से भैया लोग, साल भर विधवा भैले भयल। सुनल पंडित जी के कथा में कि गंगा नहले पाप तर जाई, आ अगला जन्म एकदम बिल्कुल फिट हो जाई। तो सुन के कैले का, चूंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, तर्कमान थी, अब कलब लिया हुआ यही लगले तनी समाज के भी थोड़ा टोए ले कि समाज हमार कितना विद्वान हो हैं। सुना गंगा नहाने आई बहुआ, बीत गया ये कमाल, अरे पेट में बच्चा पलता सुन करी बिगड़ गई है सास। गई इलाहाबाद में कुंभ नहाए दयानंद बाबू, आज कुल साधु नहात रहल, वही जब वो नहैल धोल अपन दतुअन कुल्ला कैल, आ वही उठा के 5 अजूरी पानी भी पी, घरे आई। एक महीना बीतल, अपने सास से कहल कि हमके उल्टी आवत है, जीव मचला था, हमार मन खटाई खाए के करत है, हमार मन सीधरी खाए के करत है। अब तो बुढ़िया का पारा गरम हो गया, लेह बदे कि बुढ़िया भक्तिन रह, बुढ़िया बिगड़ गई। आ कहलस का गीत है, तरे नरियरवा का बारी, तनिसा बाबू वही जन से नीचवा उतर जाता। हाँ ये देखा गीत थो, माई बहन जब पूरी बेलैली तब के गावैली, कैसे गावैली, अरे सीता कले खबरिया कपि चले लंका नगरिया, हर जगह राम के सीता की ठेलले हवा कि क्यों इनसे बहरे न जा पावा, लेकिन कहीं कहीं यही गीत के माई बहन गावेली, अरे तरे नरिया रवा का पारी हो पर श्याम के नाम लगा दा, कहीं कहीं एक गावेली, कैसे गावेली, कितनो तू गंगा नहैबा, कितनो तू गंगा नहैबा हो पतर तिरिया ना पैबा राजा, कितनो तू गंगा नहैबा पतर तिरिया ना पैबा, कितनो पतर तिरिया ना पैबा। बुढ़िया गनगनाइल, पतोया एक दिन पेटे पर लुगा उगा बांध के अपन निकल, तनि सा पेट ऊंच देखल,
बुढ़िया गरम हो गई एकदम, ये बदे की एक नंबर का भक्तिन रह तो बुढ़िया पतोहिया से कहती भैया संगे मजवा उड़वलू करे कसबिनिया तो के लाज शरम कि ना लड़का मोर मर गली कैसन पेट फुलावती कौने से बुढ़िया रोवत हो चाठे गांव के बुढ़ियान के बटोर के करते बहनी का करबो हमार पतो तो हमार पगड़ी डुबा दल कल कैसन तो बुढ़िया कहत एक साल पहले मोर मुअल ललनवा हो नहीं हर जैया कैल मन में गुणनवा हो अरे चुपके से पेटावा फूलवली चलो ए बहनी हमार लड़का मोले एक साल हो गया जाए के पता न कहाँ से कौनो का कह के आई नहाए गई लहल आ तब से ओकरे उल्टी आवत है मिचली आवत है खटाई मांगत है मछरी मांगत है सुतत है देखत है ओकर पेटो चिकनात हो कुल जुटली पतोहिया के डांटे लगले आ बुढ़िया मारे गुस्सन कैले का एक गीत बदल गई बाबू वह गीत का लाइन है रुका मास्टर अरे आई ले बसंती अरे उड़ा लगा तीरे मोरा अब छोड़ा जायदा ही कुल धून है अब धून उन मत सुना गनम सुना अरे बा अरे केसिया पकड़ के लतिया व बूढ़िया हो पूरे पूरे गौवा के आपने बो लाव बूढ़िया हो पूरे डोरा पिटवा दिलक हमार नाक कान कट गया पढ़ल लिखल पतो आई नाक कान काट के हमार धर दिले ये पंचो सब लोग जुटे लगल इल की पहले पंडित बाबा के बोलवा हुआ हवन जाप कई के ये पाप से कटी हैं के आयल आयल पुरोहित बाबा तिलक लगाई लगल घर से बहरे कह दिल प्रधान अना पंडित अना प्रमुख अना सरपंच अना पूरा गांव जुटल आ पूरा गांव जुटल में पतोहिया पेश कैल गई बुढ़िया गलत देखा या हमार नाक कान काट के बैठल ये भैया हमान क इज्जत खत्म है अब कुछ हो बचल हो चलना हो ये बतावा कैसे रही हम का करी
ता पंडित जी बोलौले अच्छा कि ये बताओ कि ये इतना बड़ा पाप कहाँ की हो, पंच के सामने तुम अपनी बात करो, पंच के पकड़ के ली आई, तोर ब्याह करवाई, वही के साथे तोर जिंदगी बीती। तो बतावत यो गीत लगल ठे बाबू एक ठे मेहरारू का मन से दू पियक्कड़ी रहो ना ही, ये सब तो बहुत धिष्ट हो गए हैं, ये सब नहीं छूते हैं, लेकिन कौनो रहल और जब आवत खाली 3 सीसी 4 सीसी ले आ कभी कभी 4 बजे भोरवा में मेरवे लगे आ जब 4 बजे भोरवा में मेरवे तो मेहरारुआ एक दिन देखलस तो कहलस कि मुंह फुकौनू अब बता देता हूँ कि या तो तू रहा नहीं तो मां रह तुहार लोला कुछ दे के थुआ से वही उथु से वही उथु से चला चला भैया। अरे रहबना ससुरार नैहर जाइबे जरूर हो कि मिलल बा सरादे सैया मिलल बा सरादे सैया न सवे में चूर हो कि बिराज सुनत हुआ बड़ा शानदार प्रधान अशोक यादव जी बड़ी प्रधानी कैला बड़ी पंचायत भी कैला भैया आज ये समाज के जगावत भी हवा बढ़िया से गावत भी हवा और बड़ी शानदार कलाकार जो बहुत पहले हमारी संगत कर रही थी संगीता भारती जी आप सभी लोग बैठे हैं ये बिराह हमारी चल रही है और इस बिराह को ध्यान से सुन करके और जब बिराह खत्म हुई ते बिराह में गलती कहाँ रह लिया अशोक भैया एक तनी सा लोगन हमके चेतैया आज भरे पंचायत में वही रे का विधवा पतो सबसे कहत है कि ये साहेब सुना जब पूरा गांव पूरा पंचायत जुटल या हर समाज के लोग जुटल तो हमार बात सुन ला का कहलक पंचोई तो मालूम ना पेट काहे फूलत हो आम केहू के साथे माला की जवन बात तवन की हाल चाल भी ना कैली पूरा पंच सुनत हो। हाँ एक बात का हमके शंका हो तोरे बात का भाई का कहलो गंगा नहा के सरधाता ना मन से कैली
तमाम शंकराचार्य नहात रहलो बड़े बड़े साधु संत, तो साधु संतन के तो मेहरी लड़का होता है ना, तो जवन बात तवन की अब केहू कर निंगोटा उंगोटा कचारल रहल हुई वही पनिया में बहत आवत रहल ये पंचू, तो हम कनी लगत केहू घी उ फेंकले है का, तो वह घी समझ के हम वही अंजूरी में उठौली अब पी गई समझावत थे का। देखा हमार पेट हो के आने करनवा फूला, देखा हमार पेट हो के आने करनवा फूला, देखा हमार पेट हो के आने करनवा फूला। कलये साहेब वह बहुत आवत रहल हम ओके घी समझ के पानी पियत रहनी वही के वही पनिया सही पी गईली पी गई ली, आ तब से हमार तबियत अड़र बड़र भई ली, तब से चिकना था समझावत थियो कि अब हमारे समझ में आवत है कि ऋषि मुनियन में बड़ी ताकत रहो का कहलो भैया साधु संत ऋषि मुनि सुना हमरो पेट हो के साहेब ये तने हमके बुझा था यही में गलती है, वैसे कोनो मर्दे के साथे हमार संबंध ना हो, बिगड़ गए प्रधान और पंडित मूर्ख हमें बनाती हो, ऐसा कभी ना हो सकता, सब झूठी बात बताती हो, पानी संग बिर जाने पर गर्व नहीं हो सकता है, आइलो हम मूर्ख बनावे पानी के साथे पियले से लड़का होई, डांट के कहो पंडित जी जो त्रिकुंड लगौले रहे पानी संग बीर पिए गर्व नहीं रुक पाएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर इसे साबित नहीं कर पाएगा, और तुम हमें मूर्ख बना रही हो, कलम मूर्ख ना बनावत थी हम एक उदाहरण दे, इनमें हजारों लोग मुहावरे से पैदा हुए, पूरा पंच खड़ा हो अच्छा थे के बतावे था कि मुहे से खैले से के पैदा है, बड़ी विद्वान भाई लिए ही कला भैया बैठा लोगन, अब एकर तर्कवे सुना बतावे लगे कलग, ये पंडित जी या प्रधान जी या सरपंच जी या मुखिया जी सभे जाने हमार बात सुना, हम गलत ना है का कलग गीत लगा लिखते बाबा यह गीत का लाइन हो, अरे सरंगिया वाले कडेरावा, अरे बताई देर छोटकी नाना दी
हेलो ए प्रधान जी ए पंडित जी सुना का कहलस बोलल बा विधवा जाना नाना बोलल बा विधवा जाना नाना नया नवा खोला ये ज्ञानिया कलगी आप कहतवा की मुहे से माला की पियले से ना हुई लेकिन आई तुहार रामायण बतावत हो का रामायण बतावत हो भाई के पूरा समाज मानत भी हो समझावत हो अरे उद्यान ऋषि के वीर बहत जब सरजू बीचे दशरथ की बहन चंद्रकला सरजू में स्नान कर रही थी उद्यान ऋषि का मान ला की मन बिगड़ गया आ ओके दोना में रख के वही पनिये में छोड़ देना आ बहुत बहुत आयल बा हमहू घी समझ के वही पानी में मेरे के ले 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 आ जब वो ले लेलस तो गर्भवती भैल वही से श्रवण कुमार पैदा भैला बिरहा सुन वाले भैया लोगन से यही दरिया ये चीज बता देते हैं कि ओहू कसलियत दूसरे भाग में छोड़ब कि श्रवण कैसे पैदा भैला है आ कुल कहानी ऐसन काहे गढ़ल तो लोग कहला कि हाँ भाई बात तो सही है चंद्रकला तो दोनों से पिया ले रहा तो फिर गरज के पंडित जी कहते कि वह कि कुछ और कल नहीं सुना महाराज फिर बतौल का कहल खीर खाए के खीर खियाए श्रृंगी ऋषि जी भैला चार लला कि साहेब हम तो वही पर भरोसा करते थे लेकिन श्रृंगी ऋषि फल देना राजा दशरथ के की रानी के खिया दिया रानी खैली मुहे में आ मुहे से खाए वाला चीज अमाशय से मलाशय से बहरे जाला लेकिन मुहे में खाए वाला चीज गर्भाशय में कैसे गयल चुप रहे जाने के ना सुने के तो कला साहेब लोग कला की नहीं बतिया तो माला की ठीक है कहती है ये कला की दोनों घबरा मा सुना विधि कई है विधानावा अरे विधि कई है विधानावा कहनावा मनाए भाई।
कहलक कि अरे साहेब ई विधि के विधान ह, प्रधान जी कहलक ई विधान हम नहीं मानते हैं। हम क्यों माने इसे, खाने से कैसे लड़का पैदा होगा। कहलक साहेब प्रधान जी एक बात और सुन ला, का कहलक तेरी का भाव है। दर्पण में चेहरा असली ना मिला, हरे दर्पण में हो दर्पणी कि दर्पण में चेहरा असली ना मिला, झूठा ढोक ढकोसला करने लगा समर पर। जय हो। झूठा ढोंग ढकोसला करने लगा समर्पण, दर्पण में चेहरा असली ना मिला, गांव में भीड़ बढ़ जाती हो, अकेले पढ़ल लिखल लड़की पूरे गांव के लोगन से सवाल करत है, केहू का जवाब नहीं आवत हो, आ सब भीतरा था जे जे सामने है वो बगलिया के दूसरे के आगे ठेल के अपने पीछे हो जाता, कहीं मुंह से न पूछ दे। लेकिन फसल के अब प्रधान अब पंडित कुर्सी लगा लिया पीछवा में बैठल हुआ त्रिकुंड लगा के एंटीना खड़ा है। वो समय कहत हो आज फजीहत करके छोड़ू मन में नारी सोच लिया, सदियों से कायम ये मनोवाद का चेहरा नोच लिया, दे रही हवाला धर्म ग्रंथ का, जब मेघुची नहीं बन सकती नारी है। कल तोरे रामायण में लिखल है कि मेघी बिटिया पैदा कीले, तो दे रही हवाला धर्म ग्रंथ का, मेघुची नारी ना बन सकती, बीर पिए पर कोख हमारी परिणाम क्यों नहीं दे सकती। जब मेघी मेहरारू पैदा कर सकेले, लड़की पैदा कर सकेले, तो वो बीर पियले से भैया हमारे पेट में लड़का ना हो पाई, अब तो सबके मार दे ठकमुर्री, बात केहू के आवत ना हो, बतिया तो कुल ठीक है कहत हिय, ग्रंथ का कहत हिय, ओकरे बाद में डांट के कहलस कि सुनो का कहलस, अरे बोली नारी सभा में सीना ताने ध्यान से सुनिएगा, अरे बोली नारी सभा में सीना तान ध्यान से सुनिएगा, ग्रंथों पीछे मिलता है परमार ध्यान से सुनिएगा, बताओ थे पहली चीज कि सुना, अरे महर्षि भरद्वाज करत रहलाया सना, अब पड़ल घी ताजी ऊपर सुना जब नाया नावा, अरे जुअल माल रखल दोना दरम्यान ध्यान से सुनिएगा, पैदा भइल दौड़ ऋषि गुणवान ध्यान से सुनिएगा, तौला रामायण में ग्रंथ में लिखल हो कि महर्षि भरद्वाज स्नान करत रह, वही में एक ठे मुनि के लड़की रह, ओकर नाम रह गृताची, गृताची पर जब नजर पड़ल ओकर टणका बार देखल तुरंत लगल भल 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 ओके दोना में रोप ले, जब दोना में रोप ले ले जाए के देहल
तो वही से द्रोण पैदा भई। तो कहना दोना से जन्मे है तो द्रोण है, कहला ऐसा है कुल तो दोने कटोरी में घी मछरी से पैदा हवा तहाई एक ठे इतनी दर्द काहे होती हो। फिर कहती हो अरे ऋषि डिमांड जी कई है ई है बाटी हाल हो और बसी के देखले तबले निकल गया लम्मा अरे पीली हली हिरनी पानी जान ध्यान से सुनिएगा अब पैदा भैले सुग्रीव गुरु महान ध्यान से सुनिएगा जब दोना में ले लेला धैले रहला ते एक ठे हिरनी पानी समझ के शुरू की गई आ जब शुरू की गई तो वहीं से श्रृंगी ऋषि पैदा भइला है आ वह श्रृंगी ऋषि फल देला त राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ई पूरी खंडनिया भगवान बन के पैदा भइल। अरे मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों कितना दिन तक कब तक के मूर्ख बने रहोगे और इनको ढोते रहोगे इस कपोल कहानियों को। फिर कहती हो ये साहस करना संबंधी करत है कि सबकर बोलती बंद दियो। सुना आल्हा का लाइन हो बाबा चेहरा धूमिल भैले पंडित मूर झैले भैया बोल नहीं पावत बात देखा पर सिरनी समान कर जय यादों का पतोहिया बाबू प्रधान जी मुंह से हम पियले हैं लेकिन तुहार हनुमान काने से पैदा भयल पवन सूत्र केसरी नंदन सब मुड़ी आयल नीचे मुड़ी गिरल केहू के मुड़ी ऊपर ना हो। यही बजे बहुजन समाज के लोगों को हम बार बार कह रहे हैं कि तर्कवान बनो। विद्वान तो बन गए पढ़ करके लेकिन तर्कवान नहीं बन पाए और बाबा साहब बहुत पहले कह करके चले गए थे विद्वान के साथ साथ जब तर्कवान बनोगे तब अपने बारे में अपने इतिहास के बारे में अपने हक अधिकार के बारे में जानोगे और भारत के शासक बनोगे। फिर कहते हो कनवा से कौन कैसे कनवा से कौन कैसे लिहल जनामावा भैया सब भाई कौरो जन्मे भरे से तुझा घड़ा से सीता जन्मी बनल रामायण भैया कुंभज ऋषि गगरी से जन्मे श्री मां चर से भैले झिझक अली का जन्मवा बाबू बाली सुग्रीव जे करे भैले हो कुमार कीचड़ से जन्मे ऋक्षराज और उन्हीं के बच्चे हुए दो कौन बाली और सुग्रीव। लाओ रामायण को रखो सामने
बहुत कर लिए और बहुत पुजवा लिए तुम लोग। मैं परेशान केवल अपने समाज से हूँ, अपने लोगों से हूँ। कभी ये समाज झूठ और असत्य का तर्क नहीं कर सका, पशुओं की तरह लेकर के ढो रहा है। और एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि तर्कवान विद्वान बनना है तो महज दो लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध को। उस दिन सारी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और का कल ये बाबू भैया कुसके उखाड़े लगल है, कुसके उखाड़े देखा वाल्मीकि ज्ञानिया बाबू है लौंडो। पहले बात को समझो, अखिया से संभोग कर देना। अरे भाई अखिया में कौन चीज भला लाभा, आंख से भी संभोग करके उन्होंने बच्चा पैदा कर दिया। ऐसा महाभारत के गीता में लिखा हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। कौन किया? दृष्टि से भोग किए व्यास मुनि ज्ञानी बाबू। दानव घुस गयल सुभद्रा के मुहे में घुसल, आ घुसत 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 चल गल बजदानी ने। यह धर्म ग्रंथ है भारत का, यही भारत की संस्कृति ये पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। और जब मुंह से घुसा बजदानी में गया तो 9 महीना बाद ही अभिमन्यु बनकर पैदा हुआ। कुंती माई जहाँ गंगा में डुबुक्की लगा हुआ है, डुबुक्की मारत 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 डुबुकिया से गर्भवती हो गई। कर्ण के पैदा के लिए वो काने से, हे नारायण हे तथागत। अब एक न्याय तू न लोगन करिया, ये देश के समाज के 85 मूल निवासी लोगों को हम क्या कहें, जो कहते गए मानते गए मूर्खों की तरह, लेकिन थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा पाया। और आज भी कह रहा हूं, हैसियत नहीं है किसी की इनके सामने इस पाखंड के खिलाफ बात करने की। और जो लोग बात कर रहे हैं उनके ही सारे कहत हो कि मूड़ी कटवा तो 50 लाख दे। अरे भाई 50 लाख, हाँ। आदरी हमारे सम्मानित राजेंद्र पाल मंत्री जी ने 22 प्रतिज्ञा को दोहरा दिया। बैठा है अयोध्या में एक संत, त्रिकुंड खड़ा किए हुए कहा कि हिंदू धर्म के लिए खतरा है ये, इसका गर्दन काटने वाले को 50 लाख दूंगा मैं। क्यों, तेरे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए? उनसे कह दो कि गर्दन काट लें। और बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज को अहमियत में और हैसियत में रहने दो। हमने बहुत आदर किया है और आज भी कर रहे हैं। हम देश में समानता चाहते हैं, समता चाहते हैं, बंधुता चाहते हैं, लेकिन सब के बावजूद क्या कर रहे हो आप लोग? सिर्फ इस बात को अपने जेहन में मां की ओद्र से पैदा हो, हराम की कमाई बैठ करके मंदिरों में घोट रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। देश की तहजीब को तोड़ने का प्रयास मत करो। ये भारत में गंगा जमुनी की तहजीब जो है इसे बने रहने दो।
इसलिए समझा रहे हैं। बतावल तनी आजा सदर में मास्टर था यो भैया। जन्म ए ब्राह्मण आए छत्री भैया देखा भूजावे के अरे बेटा से पैदा भैले बैस धाना वाना अरे बेटा से पैदा भैले बैस धाना वाना अरे गोड़ावा से सूत्र जन्म सहाय लोग कहले हवा ताई बतिया हमार झूठ काहे लगत है ये साहेब। पूरे पंचों का गर्दन झुक गया कोई जवाब नहीं दे पाया कोई जवाब नहीं दे पाया। तब के खड़ा भयल पंडित जी। अब पंडित जी कहे क्या कहे आखिरी लाइन में चुपचाप खड़ी पंचन टोलिया केहू के मुहावा से आव नहीं बाबू बोलिया प्रधान जी कलम प्रधान जी भी यादव जी रहो कलम पंडित जी। अब तो हमार प्रधानी बिगड़ गई तनी साहब पर कुछ कहे को खत आप कहा पंडित जी खड़ा भइला आ खड़ा भइला भरे पंच में कहलन का कहलन अरे पंडित प्रधान बोले कई के एलनवा झूठा वेद ग्रंथ सब लिखे बेईमानवा झूठ यो पखंड का चलावा होली। पंडित जी कहला कि ये सारे ग्रंथ वेद ढोंग ढकोसला मंदिर सब झूठा हम नहीं मानते इसको जिसको मानना है माने। बजल ताली जब ताली बजल तब बुढ़िया मगन भई आ कहला जब कुल झूठ है पंडित जी ताई हमार बतियो झूठी हो हम गर्भवती ना आई यही लैनिया बलियाव खातिर तू हम लोगन के कुल बतिया बतौली है तो ये बतावा कि जब कुल झूठ हो तो काहे पूजवावत हुआ। तो फिर वो बुढ़िया कथे भक्तिनिया भक्तिनिया कपार सुरौला पतोहिया के चुम्मा दिल आ चुम्मा दे के जब चुम्मा दिल तो कल पंडित हमरे पतोही के बात का जवाब दा। तब पंडित आ प्रधान दोनों जाने भेजले सियार नहीं खड़ा हुई के कहलन का कहलन अरे आसन से उतर पंडित फैसला सुनवलन अरे पुरखा हमार सब सूत्रन के फसवलन आज कहत हो ना कि हिंदू धर्म पर कोई बहस नहीं कर सकता क्योंकि अध्यात्मवाद है इसे अंधा बन के मानना पड़ेगा।
हम गने हिंदू धर्म यह बतावत हो कि हर बात के अंधा बन के माना यह धर्म हो। तो आप लोग माना लेकिन बहुजन समाज और भारत का मूल निवासी समाज नहीं मानेगा इसे। आप इसे ढोते रहो। फिर लाइन गई, अरे खुल गया सबके पीछे झूठ का पिटारा, धान्य हो पर तो ही आ कई के सासू ने पुकारा। अरे ज्ञान से मनुवाद का खोललू बोलिया, सब कर गिरल बाचे हरवा नाही आवे बोलिया। इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश हो बेटी कैसे की? क्योंकि उसके अंदर शिक्षा थी। और मैं बार बार कह रहा हूं अपने बहुजन समाज के लोगों से, पूजा पाठ मंदिर में आना जाना ये सब बंद करो। वो सारा पैसा जुटा के बच्चों को शिक्षा में लगाओ। जब बेटा विद्वान होगा तर्कवान होगा तब बिना कहले लक्ष्मी हर 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 गर 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 घर में आई। आखिरी लाइन है, क्या है? अरे जागो मूल निवासी को करा खुद पहचान, अरे खतरे में पालल बाट देखा संविधान हो। अरे फेका ब्राह्मणवाद वाली गंदी खोलिया, जो ब्राह्मणवाद का ये नकली चोला पहने हुए जात और धर्म की अफीम चाट रहे हो, इसे चाटना बंद करो। कहना है आखिरी लाइन में, फेंको ब्राह्मणवाद वाली गंती खोलिया, अरे गिरल सब कर बाचे हरावा नाया वे बोलिया। बुद्ध फूले साहू ललई, जय हो कांसी राम, सूर्य भान की कलम है लिखता बाबा का पैगाम। अरे दर्पण में चेहरा असली ना मिला, किया दो राजकुमार के आगे करें समर्पण। दर्पण में चेहरा असली ना, सादर जय भीम नमो बुद्धाय।